गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है, ग्रीन, ब्यूटीफुल सा ग्रीन आई मेकअप और बिल्कुल न्यूट्रल लिप्स आज मैंने रखे हैं ताकि जो मेरी आईज हैं वो ज़्यादा दिखे। और एज यू नो, शादियों का सीज़न आ चुका है, वेडिंग सीज़न आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक क्रिएट कर लिया जाए। और ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है, आई नो आप सबका भी होगा, तो आज मैंने इसलिए ग्रीन ड्रेस पहना है और ग्रीन इयररिंग्स के साथ इसको मैच किया है और ग्रीन आईज क्रिएट की हैं विद न्यूड लिप्स। तो अगर आप ये देखना चाहते हो मैंने ये लुक किस तरह से क्रिएट किया है, देन कीप ऑन वॉचिंग। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की लोटस की ऑयल कंट्रोल शीट मास्क। ये मेरी शीट मास्क फेवरेट हैं और कोई भी स्पेशल ओकेजन जब भी होता है तो मेकअप करने से पहले मैं ये शीट मास्क को लगाना पसंद करती हूँ। ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देता है और बहुत मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट और सपल हो जाती है। तो आपको बेसिकली बस इसके मास्क को निकालना है, इसको ओपन करके अपने फेस पे इस तरह से लगा लेना है और इसको 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए आप इसको लगा रहने दें और जो भी इसका जो सीरम थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है वो आप अपनी आर्म्स पे या लेग्स पे लगा सकते हैं। तो शीट मास्क लगाने के बाद अब मेरे फेस पे काफ़ी, आप देख सकते हो, काफ़ी मेरा स्किन जो है हाइड्रेट लग रही है और उसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी ताकि मेरी स्किन उसको और अच्छे से अब्जॉर्ब कर ले। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र, मेरा अभी फेवरेट चल रहा है ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। इस वेदर के लिए ये परफेक्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है तो मैं ऑलमोस्ट डेली इसी को यूज़ कर रही हूँ। तो और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की फिट मी और मेरा शेड नंबर है इसमें 128 और ये मुझे काफ़ी परफेक्ट लगती है मेरी स्किन के लिए और थोड़ा सा इसमें ऑयल वगैरह कंट्रोल हो जाता है और लाइट आपको एक कवरेज देता है, मीडियम कवरेज देता है। फुल कवरेज के लिए आप इसमें एक से दो और लेयर लगा सकते हो। और उसके बाद मैं ले रही हूँ कंसीलर विद द सेम ब्रांड मेबलिन और इसमें मेरा शेड है लाइट और मैं इसको डॉट डॉट करके अपने फेस पे, अपनी आई एरिया पे और आईज़ के नीचे सब जगह जहाँ जहाँ मुझे थोड़े से डार्क स्पॉट्स लगते हैं वहाँ पर मैं इनको लगा लूँगी और एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। कंसीलर करने के बाद मैं अपने फेस को सेट करूंगी लूज़ पाउडर के साथ और लूज़ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का और इसमें मेरा शेड है लाइट और एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ मैं अपने फेस को अच्छे से मैटिफाई कर लूंगी ताकि मेरे फेस पे कोई भी ऑयली या थोड़ी देर के बाद जैसे ऑयल थोड़ा सा निकलने स्टार्ट हो जाता है ये इससे बचा लेता है इसको। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ मैं अपनी मेकियाजे की ऑल इन वन पैलेट, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और ये इस तरह से ओपन हो जाती है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर। एज़ यू कैन सी मैंने इसको और भी ज़्यादा ओपन कर लिया है, एज़ यू कैन सी इसमें आई डोंट नो कितने शेड्स हैं, मैं इसमें काउंट भी नहीं किए कभी। तो चलो सबसे पहले मैं ले रही हूँ इसमें ब्राउन कलर, एक मीडियम ब्राउन कलर ले रही हूँ अपनी क्रीज लाइन के लिए और एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज एरिया पे इसको स्प्रेड करूँगी और बिल्कुल लाइट हैंड यूज़ करना है, इसमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर अगर हम दे देते हैं कलर के ऊपर, ब्रश के ऊपर, तो आपका जो कलर है वो एक ही जगह पे डिपॉजिट हो जाता है और उसको ब्लेंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश करें कि लाइट हैंड से करें। उसके बाद मैं एक फ्लैट आई शेडो ब्रश ले रही हूँ और उसके लिए मैंने एक लाइट ग्रीन कलर का शेड लिया है और क्रीज लाइन के बिल्कुल नीचे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके कि मुझे कितना कलर पिगमेंटेशन चाहिए और कौन सा कलर इसके ऊपर सूटेबल रहेगा। तो उसके बाद मैंने इसकी टू लेयर्स लगाने के बाद अब मैं ले रही हूँ एक डार्क शेड और इसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए ताकि ये पूरी पिगमेंटेशन दे, तो मैंने क्या किया, एक मेकअप फिक्सर लिया है और अपने ब्रश को उसके साथ उसको गीला किया और अब उसको कलर को लगा रही हूँ। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी पिगमेंटेशन आ रही है कलर की
अब मैं एक क्लीन फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और जो ब्राउन कलर और ग्रीन कलर है उन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं फिर से एक डार्क ग्रीन कलर ले रही हूँ और अपनी आईलिड के ऊपर इसको पूरी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो ब्रश से भी मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम हो रही थी तो मैंने अब फिंगर यूज़ करा है इसमें। फिंगर के साथ एज यू कैन सी बहुत ही अच्छे से पिगमेंटेशन आती है। कोई भी कलर अगर आप फिंगर्स के साथ लगाते हो तो एकदम परफेक्ट लगता है आपकी आईज के ऊपर। बस इसको ब्लेंड करना बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए मैं फिर से वही फ्लैट आई शेडो ब्रश ले रही हूँ और उसी के साथ उसको फिनिशिंग दे रही हूँ। और सेम कलर अपनी लोअर लैश लाइन के ऊपर भी लगा रही हूँ। और जो भी थोड़े बहुत फॉल आउट्स हुए हैं वो मैं उसको क्लीन फैन ब्रश की हेल्प से उसको क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद एक डार्क ब्राउन कलर लिया है मैंने फ्लफी ब्रश के ऊपर और अपनी क्रीज लाइन के थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड करूँगी अच्छे से। डार्क कलर थोड़ा सा यूज़ करने पे क्या होता है, आपकी जो आईज़ है उसकी जो डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने में। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का काजल इन द शेड ग्रीन। गाइस ब्लू हेवन के जो कलर आईलाइनर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। मेरे पास इसमें ग्रीन ब्लू ब्लैक तीनों हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और उसके बाद मैं कर ले रही हूँ यहाँ पे ब्लू हेवन का ही सेम लिक्विड आईलाइनर इन द शेड ब्लैक। और ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है और इसका जो ब्रश है वो बहुत ही पतला है, तो अगर आप विंग आईलाइनर नहीं लगाना चाहते हो, सिंपल आईलाइनर लगाना चाहते हो, तो आप वो भी लगा सकते हो, बहुत ही इजीली लग जाता है। विंग आईलाइनर क्रिएट करने के बाद आज मैं ये क्रिएट कर रही हूँ डबल विंग। एज यू कैन सी मैं एक और लाइन क्रिएट करूँगी और उसके ऊपर एक छोटे छोटे से दो डॉट्स लगा दूंगी। इससे लुक बहुत ही प्यारी आती है, एकदम डिफरेंट लुक लगता है। और उसके बाद आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रो पोमेड। और इसी के साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। यहाँ पे मैंने मेबेलिन का मस्कारा लिया है, वॉल्यूमिनाइज मस्कारा। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मोस्टली मेकअप्स के लिए मैं यही वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ। और इसी को मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस दोनों पर लगाऊंगी। चलो अब जल्दी से कर लेते हैं दूसरी आई। और चुटकी बजाते ही देखो मेरा दूसरा आई मेकअप भी हो गया है। और अब मैं ले रही हूँ सेम पैलेट, इसी में जिसमें आई शेडोज थे उसी में मेरे लिप पैलेट भी है, इसी में बहुत सारे लिप शेड्स भी हैं और हाइलाइटर्स भी हैं और आई शेडोज के साथ साथ इसमें ब्लशर्स भी हैं, सब कुछ है, ऑल इन वन है। तो इसी में से मैंने एक हाइलाइटर लिया है लाइट कलर में और उसी के साथ मैंने अपनी आईब्रो बोन एरिया को किया है। और अब इसी में से मैं अपना ब्लश यूज़ कर रही हूँ, मैंने तीनों शेड मिक्स करके लगा रही हूँ इसमें। और उसी में से कंटूर शेड लेकर थोड़ा सा अपने फेस को कंटूर कर रही हूँ। और ये फिर से मैं एक हाइलाइटर ले रही हूँ और अपनी चीक बोन एरिया पे इसको लगा लूँगी। इसकी जो हाइलाइटर्स हैं बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड या ज़्यादा पॉप नहीं करते हैं, बहुत ही लाइट सटल सा है, तो डे वेयर के लिए अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसमें से लगा लेती हूँ। बहुत ही लाइट शीन देता है आपके फेस को, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। उसके बाद मैं कर रही हूँ लिप्स, और लिप्स के लिए मैं मीनाओ का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ न्यूड शेड में। और सेम पैलेट में से मैं एक न्यूड लाइट न्यूड कलर ले रही हूँ और उसको लिप ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मेरा फेस जो है थोड़ा सा वॉश आउट कर रहा था वो लिप कलर, इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेड लिया है न्यूड में ही और उसको मैं अपनी लिप्स के ऊपर लगाऊंगी ताकि थोड़े से जो मेरे लिप्स हैं एनहांस लगें।
चलो अब जल्दी से मैं लगा लेती हूँ अपने इयररिंग्स, और ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और किस तरह के लुक्स आपको देखने को चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहना। और हाँ, इसको मैंने एक और टच दिया था बिंदी के साथ, आप सेम कलर की बिंदी लगा सकते हो ग्रीन कलर में। इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल के आया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक, स्पेशली बिंदी के साथ एकदम लुक ही चेंज हो जाती है जैसे। और ग्रीन के साथ आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अब मैंने एक और कलर के साथ ट्राई करने की कोशिश की कि चलो, क्योंकि इसमें सूट में मेरे रेड कलर भी था तो मैंने इसके साथ एक रेड कलर की बिंदी भी ट्राई की, और आप देख सकते हो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ग्रीन के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, स्पेशली इफ़ यू आर न्यूली मैरिड। OMG, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लग रही है, आई लव इट। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Yes.